सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की बड़ी खबर आप लोगों के नाम। दोस्तों, कोहली और अनुष्का शर्मा से कौन वाकिफ नहीं, बेशक हर कोई वाकिफ होगा। कोहली और अनुष्का ने प्यार का पन्ना किया था, फिर अचानक ऐसी खबर कहां से आ गई, कौन है इनके तलाक के पीछे, बड़ी वजह सामने आ गई। दोस्तों, वेब सीरीज़ के ज़रिए निचली ज़ात के हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफियों और ज़ुल्म व सितम का पर्दा चाक करने पर इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी ने अनुष्का शर्मा की जान की दुश्मन हो गई। विराट कोहली से मुतालबा दाग दिया कि वो अनुष्का को तलाक दें। अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की है फिल्म पाताल लोक, जिसमें दिखाया गया है कि बाअसर और ऊंची जात के हिंदू किस तरह कमज़ोर और मज़लूम तबके की जिंदगी को जहन्नम बना रहे हैं। भारतीय समाज का वो मकरूवा चेहरा दिखाया है जहां राज है सिर्फ और सिर्फ बर्बरीत और दहशत का। वेब सीरीज़ में दलितों और मुसलमानों पर आए गए मुजालिम के साथ साथ इस बात को भी नुमाया किया है कि पुलिस का निज़ाम हिंदू इंतहा पसंदों का गुलाम है, जिसके पास ताकत है वो नहते बेबस मुसलमानों और दलितों से जीने का हक भी छीन रहा है, और यही बात तन बदन में आग लगा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कई रहनुमाओं के इंतहा पसंद नेता नंदकिशोर गिरजाघर ने तो मुतालबा दाग दिया है कि वो फौरी तौर पर अनुष्का शर्मा को तलाक दें। इंतहा पसंद और मोतसिब सोच के हामिल बीजेपी रहनुमा कहते हैं कि वो अनुष्का शर्मा के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अनुष्का के पीछे पड़ गई, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सच है वो काफ़ी दुश्मन होता है। सच एक ऐसी हकीकत है जिससे हर कोई भागता है, और सच्चाई कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। और इस टाइम में जो सच कहता है उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। अनुष्का शर्मा ने अपनी हकीकत बता दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर रही है। पता है कि जो भी कमज़ोर लोग इनके बारे में बोलते हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं, और इस तरह ही बीजेपी आगे बढ़ा है। आप लोगों को पता ही है उन्होंने कितने जुल्म किए हैं मुसलमानों पर और भारतीय कमज़ोर लोगों पर। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।